हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है। रीजन कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो मेरे एमकॉम के पार्ट 1 के फ्रेंड्स और एमकॉम पार्ट 2 के फ्रेंड्स है, आप लोगों को मैंने इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपका एग्जाम डेट कब से है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके एग्जाम का टाइम टेबल देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के आखिरी तक इस वीडियो को देखिए और मेरे साथ आखिरी तक इस वीडियो में जुड़े रहे। मैं आप लोगों को आपके एग्जाम का टाइम टेबल बताने वाला हूँ जो मेरे MCOM Part 1 एंड MCOM Part 2 के फ्रेंड्स है। तो चलिए फ्रेंड्स कि हम अपना वीडियो चालू करें, उससे पहले वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सब मेरे वीडियो है, अगर आपको कोई वीडियो काम हो गया तो आप उसमें से देख सकते हो। साथ ही साथ जो मैंने आपको बोला था कि एग्जाम डेट, इस एग्जाम डेट में जैसे कि फ्रेंड्स आपको इधर दिख रहा होगा जिसके ऊपर मैं सर का घुमा रहा हूँ, कि ये एग्जाम डेट में मैंने अपने MCOM Part 1, MCOM Part 2, TY BCOM, BEF, BMS सबके बारे में जिन जिन लोगों का यूनिवर्सिटी में एग्जाम है उनका डेट मैंने बता चुका हूँ। तो आप मेरे चैनल में जाके सूरज पटेल एजुकेशन भी लिखोगे तब भी आ जाएगा। देन वीडियो के लिस्ट में जाके ये एग्जाम डेट वाला वीडियो जरूर देख लेना, जो आपने नहीं देखा, अगर नहीं देखा तो इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम अपने टॉपिक पे चालू करते हैं कि मैंने बोला कि मैं आपको MCOM Part 1 एंड MCOM Part 2 का टाइम टेबल दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको MCOM Part 1 का दिखाता हूँ। गाइस, इधर दिख रहा हो MCOM Part 1 एंड MCOM Part 2 का, ये दोनों का है। अच्छा, काफी फ्रेंड्स मेरे से कंफ्यूज थे, उनको लग रहा है कि ये किसका है, मतलब काय का एग्जाम है जो मेरे एमकॉम के न्यू और जो अभी उन्होंने एडमिशन लिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का ये नहीं है, जो हमारे रिपीटर स्टूडेंट है जिन्हों को केटी लग चुकी है, ये उनके एग्जाम डेट है, ठीक है। तो ये उनकी तैयारी के लिए है, जो न्यू स्टूडेंट अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए उन लोगों के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, उनके कोई फ्रेंड्स है तो आप उनको प्रेफर कीजिए, क्योंकि ये उनके एग्जाम डेट है, काफी लोगों को पता नहीं, इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज फ्रेंड लाइक जरूर देना। तो चलिए हम ओपन करके चेक करते हैं। आप चाहे तो इसमें मेरे इस वीडियो से आप अपने इस एग्जाम डेट का शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो, ठीक है। मैं हल्का हल्का एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन से तारीख, मैं सिर्फ तारीख पे ज्यादा पॉइंट अप करूंगा क्योंकि, और टाइम को लेके, क्योंकि बच्चे इधर ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जो हमारे एमकॉम के स्टूडेंट है, जो मेरे सभी फ्रेंड्स है, वो यही कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए कि थर्सडे को दिया हुआ है January 2, ठीक है, 2019, ठीक है, मतलब नए साल में आप लोगों का एग्जाम आ रहा है। मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, जनवरी से आप लोगों का एग्जाम चालू है। टाइमिंग भी आपको पता है, 2:30 से 5:30 तक का है, ठीक है, मतलब 2:30 से 5:30 तक का एग्जाम है। पहला जो है SM का एग्जाम है गाइस, ठीक है, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, आई थिंक बेटर होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर तारीख लिखा हुआ है, 2 जनवरी से एग्जाम चालू हो रहा है फ्रेंड्स आप लोगों का। एंड पहला ये SM का एग्जाम है, ठीक है, तो ये SM का आपको एग्जाम देना है। टाइमिंग भी इधर मैं मार्क कर देता हूँ, 2:30 to 5:30 का एग्जाम है। देन सब अलग अलग है किस लोगों ने, मतलब कुछ लोगों ने ये क्या बोलते हैं, अकाउंट्स लिया है, कुछ लोगों ने थेरी सब्जेक्ट लिया होगा, मार्केटिंग सब्जेक्ट, तो सबके कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। अच्छा, उसके नीचे भी कुछ दिया हुआ है, जो मेरे पुराने फ्रेंड है ना उनका भी एग्जाम है, जो रिपीटर के 2 जनवरी को ही है, उनका भी SM का ही एग्जाम है। ये देख रहे हो आपको 2015 वाले, जो 2015 के बैच के है, ये उनका भी एग्जाम डेट अभी ही दिया हुआ है, वो अभी साथ में बैठ के दे सकते हैं। देन 2 के बाद 3-4 दिन का गैप है फ्रेंड्स, 6 तारीख को, मतलब 4 दिन का गैप है, 6 तारीख को फिर से एग्जाम है, टाइम सेम रहने वाला है। सब एग्जाम का डेट फ्रेंड्स ये देख लो कि टाइम ना हमेशा सेम ही रहने वाला है, सिर्फ डेट चेंज होने वाला है, सब्जेक्ट चेंज होने वाला है। इधर क्या है, इकोनॉमिक का एग्जाम है आपका, ठीक है फ्रेंड्स। देन 8 तारीख को 1 दिन का गैप दे के दिया हुआ है बिजनेस स्ट्रेटेजी, ठीक है, मतलब PM का एग्जाम है, ठीक है, जिन्होंने जो जो सब्जेक्ट लिया होगा उसके सब्जेक्ट के हिसाब से एग्जाम है गाइस। सेम 8 तारीख को फिर से इकोनॉमिक ग्रोथ का एग्जाम है, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक का है, हाँ, जिसने वो लिया होगा बिजनेस स्टडी लिया होगा उसका, तब वो एग्जाम होगा, जिसका इको होगा वो इको होगा, और जो अकाउंट्स लिया हुआ है उनका अकाउंट्स Part 1 एडवांस फाइनेंस अकाउंटिंग। देन 8 तारीख को ही ह्यूमन रिसोर्सेस का एग्जाम है, ठीक है, देन 8 तारीख को ह्यूमन रिसोर्सेस जो 2015 के फ्रेंड्स है, ठीक है, उन लोगों के लिए भी है। गाइस, आप कंफ्यूज हो रहोगे कि सर ये क्या है क्या, तो आपको मैं क्लियर करूँ कि आपने जो सब्जेक्ट लिया होगा उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपका एग्जाम आपको देखना होगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। जिन्होंने अकाउंट्स लिया हुआ है वो अकाउंट्स देंगे, ठीक है फ्रेंड्स,
तो चलिए मैं नीचे भी दिखा देता हूँ, आप चाहे तो ये पूरा लिस्ट है, आप चाहे तो इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। देन उसके बाद आपको 8 तारीख होगा, 10 तारीख को फिर है ऑडी का एग्जाम है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का। देन 10 तारीख को फिर से एमपी का है, एफ एंड एमपी का एग्जाम है, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक को लेके। देन 10 तारीख को फिर से अकाउंटिंग है पार्ट 2, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग, जिन्होंने अकाउंटिंग लिया होगा तो उसमें दो अकाउंटिंग रहता है, ठीक है, फाइनेंस एंड कॉस्टिंग। देन जन आई एम ऑल्सो अकाउंटिंग स्टूडेंट, ठीक है। देन फिर 10 तारीख को मार्केटिंग है, मार्केटिंग का एग्जाम है। फिर से है 10 तारीख को जो 2015 के स्टूडेंट है उनका मार्केटिंग है। देन 10 जैन को फिर से है फाइनेंस सर्विस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिन्होंने बैंकिंग एंड फाइनेंस सिलेक्ट किया होगा तो उनका भी एग्जाम है। देन 10 तारीख को फिर से है क्वालिटी टेक्निक, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के सामने ये टाइम टेबल है, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो और देख सकते हो। और ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि ये नोटिस कब आया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, ये नोटिस 7 अक्टूबर को आया हुआ है, इधर मैं दिखा भी दे रहा हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को, ये देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि एमकॉम पार्ट 1 वालों के लिए उनको ये चीज़ समझ में आ गया है। तो चलिए मैं आपको एमकॉम पार्ट 2 की ओर लेके चला जाता हूँ कि उनका क्या है। एमकॉम पार्ट 2 का आई थिंक थोड़ा लिस्ट लंबा है, तो चलिए हम ओपन करते हैं जो हमारे एमकॉम पार्ट 2 के फ्रेंड्स हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, जो एमकॉम पार्ट 1 के फ्रेंड्स हैं उन्होंने ये वीडियो देख के आई थिंक अभी आगे जा रहे होंगे, तो प्लीज फ्रेंड्स जिन्होंने देख लिया है लाइक देना ना भूले, और जो मेरे न्यू यूजर है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मेरे आगे भी मुंबई यूनिवर्सिटी को लेके वीडियो बनने वाले हैं। तो चलिए हम आगे एमकॉम पार्ट 2 के जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन लोगों की ओर, तो उनका भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड आप लोग देख रहे होंगे, तो पहले इसको क्लीन कर देता हूँ स्क्रीन को। हाँ, देन देखिए उनका 3 तारीख से चालू हो रहा है एमकॉम पार्ट 1 जो है, एमकॉम पार्ट 1 का 2 जैन से चालू हो रहा है, एमकॉम पार्ट 2 का 3 जैन से चालू हो रहा है गाइस, ठीक है। इधर देख लीजिए, देखिए फ्राइडे को चालू हो रहा है, ठीक है, टाइमिंग सेम है, जो एमकॉम पार्ट 1 का टाइम है वही एमकॉम पार्ट 2 का भी टाइम है, ठीक है। पहला पेपर है जो 3rd जैन को है वो आरएम का है, रिसर्च मेथोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आरएम का फर्स्ट डे आपका एग्जाम है। देन उसके बाद आपको 7 जैन को फिर से आप लोगों का एग्जाम दिया हुआ है गाइस, सेम तारीख दिया हुआ है, तारीख में कुछ चेंजेस नहीं किया हुआ है फ्रेंड्स। एंड आपका बीएसए का एग्जाम है, कॉरपोरेट फाइनेंस, ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद फिर 7 तारीख को फिर से आप लोगों का एग्जाम दिया हुआ है बी को, सॉरी बी बिजनेस इकोनॉमिक का, ठीक है, इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स को लेके है आपका। देन फिर से 7 तारीख को ही दिया हुआ है अकाउंटिंग पेपर 3, अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग मैनेजमेंट को लेके। एंड देन 7 जनवरी को फिर से एग्जाम दिया हुआ है बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, ओसी को लेके, ऑर्गेनाइजेशन को लेके, सॉरी ओबी आपका। देन बाद में 7 तारीख को फिर से दिया है बैंकिंग एंड फाइनेंस, मैंने वही बोला कि सबका सब्जेक्ट हिसाब, सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है एग्जाम, जिसका जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वो एग्जाम होंगे गाइस, ठीक है। देन मैं आपको बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, और कुछ नहीं फ्रेंड्स। देन फिर 9 तारीख को फिर से है ग्लोबल बिजनेसमैन को, ठीक है, बीएस को लेके एग्जाम है। 9 तारीख को फिर से है बी ई का एग्जाम, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक लेबर इकोनॉमिक को लेके, जो सब्जेक्ट वाइज लिया हुआ रहेगा फ्रेंड्स। देन 7 जैन, सॉरी 9 जैन को फिर से है अकाउंटिंग, ठीक है, नीचे लेके चले जाता हूँ फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो फ्रेंड्स। देन फ्रेंड्स 9 तारीख के बाद आपको फिर से काफी गैप मिल जा रहा है, 13 तारीख को एग्जाम है, 3-4 दिन का गैप है फ्रेंड्स, 4 दिन का। देन उसमें है आपको बिजनेस स्टडी को लेके है पेपर 5 बीएन करके। देन फिर 13 तारीख को फिर से है बिजनेस इकोनॉमिक को लेके, मैनेजमेंट इकोनॉमिक को। देन 13 को फिर से आपका एग्जाम है, टाइमिंग सेम रहने वाला है जो एमकॉम पार्ट 1 में था, सेम एमकॉम पार्ट 2 का भी वही टाइमिंग है, एक मिनट फ्रेंड्स, सेम टाइमिंग है, टाइमिंग में कुछ चेंजेस नहीं है। देन उसके बाद आपका आता है 9 तारीख, देन 9 तारीख के बाद फ्रेंड्स आप लोगों का है
एक वेट वेट, 13 तारीख को, 13 तारीख को मैंने आपको फर्स्ट बता दिया, 13 सेकेंड, 13 तारीख को आपको बिजनेस इकोनॉमिक का पेपर है, देन 13 जैन को फिर से आपका अकाउंटिंग है, जो मेरे अकाउंटिंग के फ्रेंड्स है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम है फ्रेंड्स। देन उसके बाद मैं आपको और नीचे लेके चले जाता हूँ और इसका नोटिस डेट भी बता देता हूँ। अच्छा और भी है इसमें, देन फ्रेंड्स इसका फिर से 13 तारीख को आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी है 13 तारीख को लेके लगता है। ओके ये आपको याला बता दिया, अकाउंटिंग देन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ओके देन इधर 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 ये अकाउंटिंग डायरेक्ट टैक्स का हो गया, देन 13 तारीख को फिर से बिजनेस मैनेजमेंट है, ठीक है, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट होंगे, देन फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस के जो स्टूडेंट है उनका एग्जाम है 13 को ही, फिर 13 को है क्वालिटी टेक्निक का, जो उसके स्टूडेंट होंगे क्वालिटी टेक्निक का उनका एग्जाम है। देन ये नोटिस भी है फ्रेंड्स कब आया हुआ है आप लोगों के सामने, 7 अक्टूबर को आ चुका है, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आप सभी लोग एग्जाम की तैयारी करें और अच्छे से करें, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स आप सभी को कि आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाए और अच्छे मार्क्स आए, और जिनके मार्क्स अच्छे आए तो प्लीज मुझे कॉल करके इन्फॉर्म जरूर करना, मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में दिया हुआ रहेगा, और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और हो सके तो मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेंटर भी बताने वाला हूँ कि मुंबई यूनिवर्सिटी आप लोगों का सेंटर कहाँ कहाँ लगाने वाला है, शायद मेरा नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक को ही लेके हो। तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।